और कोरोना ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया, 162 ममालिक तक जा पहुंचा। दुनिया भर में 7,174 अफराद लुकमय अजल बन चुके हैं। इटली में 349 अफराद हलाक हुए, मजमूई तादाद 2,158 हो गई। स्पेन में 48, फ्रांस 148, जर्मनी 17, बर्तानिया में 20 अफराद हलाक हुए, चीन में 14, ईरान में 129 अफराद दम तोड़ गए। अमरीका, भारत, इराक, मलेशिया, मराकेश, फ्रांस, बर्तानिया समेत दीगर ममालिक ने हिफाजती इकदामात मजीद सख्त करना शुरू कर दिए। कोरोना ने दुनिया को जकड़ लिया, 162 ममालिक तक जा पहुंचा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बायस अमवात में तेजी से इजाफा होने लगा है। हलाकतों की तादाद 7,174 हो गई। इटली में एक ही रोज में 349 अफराद हलाक हुए, मजमूई तादाद 2,158 हो गई। स्पेन में 48, फ्रांस में 148, अमरीका में 91, जर्मनी में 17, बर्तानिया में 20, जबकि चीन में 14 अफराद दम तोड़ गए। चीन में हलाकतों की तादाद 3,226 हो गई है। ईरान में कोरोना ने मजीद 129 जाने ले ली। मजहबी स्कॉलर आयतुल्ला हाशिम भी कोरोना वायरस से जान बहक हो गए। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में कर्फ्यू नाफिज़ कर दिया गया। मलेशिया में पूरे मुल्क को 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। मराकेश में भी पब्लिक मकामात बंद कर दिए गए। उधर अमरीका, फ्रांस, बर्तानिया में शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जुलाई तक कोरोना पर काबू पा लेंगे। लोग इज्तिमा से गुरेज करें और 10 से ज्यादा अफराद एक जगह जमा ना हो। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स के रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए। फ्रांस में लॉकडाउन पर अमल कराने के लिए फौज को तलब कर लिया गया है। कनाडा और रूस ने गैर मुल्कियों के लिए सरहदें बंद कर दी। भारत में कोरोना वायरस से 2 अफराद हलाक, जबकि 114 अफराद मुतासर हो चुके हैं। पूरे सिनेमा हॉल्स के बाद ताजमहल भी सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। भारत ने नई सफरी पाबंदियों का ऐलान करते हुए यूरोपीय यूनियन ममालिक तुर्की, बर्तानिया, अफगानिस्तान, फिलीपींस, मलेशिया से आने वालों पर भारत में दाखिले पर 31 मार्च तक के लिए पाबंदी आयद कर दी है।